नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ में जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, धार में कोरोना मरीज की पहली मौत से प्रशासन में हड़कंप। देश भर में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा, वहीं धार नगर में भी दिनों दिन कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर अब 36 हो गई है। अब धार जिले में भी कोरोना से पहली मौत हो गई है, जिसकी पुष्टि धार कलेक्टर श्रीकांत भनोट ने की। इसी को देखते हुए धार में 3 दिन का कर्फ्यू लगाया गया था, इसको आप आगे बढ़ाने की घोषणा हो सकती है। कोरोना पॉजिटिव मरीज में से 7 धार जिला हॉस्पिटल के कर्मचारियों को। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुक्षी के 22 वर्षीय युवक ऋषिभर पिता अम्बाराम 2-3 दिन पहले पॉजिटिव की रिपोर्ट आने के बाद इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। इसके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। यह धार जिले की पहली मौत है जिसमें प्रशासन को हड़कंप डाल दिया गया है। वहीं दूसरी ओर धार भोज हॉस्पिटल के सिविल सर्जन की आए दिन शिकायत मिल रही थी कि और उनकी लापरवाही के चलते आज कलेक्टर श्रीकांत भनोट ने उनको सिविल सर्जन पद से हटाकर डॉक्टर अनिल वर्मा को सिविल सर्जन बनाया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आगामी आदेश तक धार जिला हॉस्पिटल में सिविल सर्जन के पद पर डॉक्टर अनिल वर्मा रहेंगे। कई दिनों से शिकायत मिल रही थी, डॉक्टर सरल अपनी लापरवाही के कारण सुर्खियों में आ रहे हैं और लापरवाही के कारण मरीजों की संख्या बढ़ रही थी। इसी को देखते हुए धार कलेक्टर ने निर्णय लिया। धार में पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव सफाई कर्मचारी मिले थे, जिनकी बढ़ती संख्या अब 7 हो गई है। इससे प्रशासन ने उन्हें होम आइसोलेंस कर दिया गया है, जिसने धार नगर की सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। धार नगर में गंदगी फैल रही है, गंदगी फैलने की शिकायत आ रही है और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। नगर में फैलती गंदगी से बीमारी फैलने का आज संदेशा है, प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। वहीं धार जिले में इन लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा। तुम्हें क्वारंटाइन सेंटर धारावरा स्थित बनाया गया है, जिसकी स्थिति बहुत दयनीय है। वहां पर ना साफ सफाई है, पानी की व्यवस्था नहीं है, ना खाने पीने की व्यवस्था है, कोई इंतज़ाम ठीक नहीं है, ना शौचालय, ना अन्य सुविधाएं भी नहीं हैं, लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। जिन लोगों को इस सेंटर क्वारंटाइज किया गया है, उनकी शिकायतें दिन पर दिन आती जा रही हैं। धार की स्वास्थ्य विभाग की और सफाई की व्यवस्था इसे एकदम चरमरा गई है, इस और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। हमारे संवाददाता इमरान खान ने भी घर कलेक्टर श्रीकांत भनोट से आग्रह किया है, धार में स्वास्थ्य विभाग और सफाई व्यवस्था पर ध्यान दें। धार से इमरान खान की रिपोर्ट, कैमरामैन सलीम अहम के साथ धार। देखिए, धार जिले में अभी तक कोरोना के 19 पॉजिटिव केसेस हो गए हैं। पहले 10 थे, आज नए 9 पॉजिटिव केसेस जुड़ गए हैं। इसमें 3 पीतमपुर के हैं, 2 कुक्षी के हैं और 4 धार के हैं। देखिए, इसमें पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव केसेस आज पाए गए हैं, वो सभी हमारे हॉस्पिटल में थे, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में थे, जिनके सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं, जिनका ट्रीटमेंट पहले से ही चल रहा है। हम लोगों ने ये व्यवस्था की है, क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, पहले यहाँ पे पॉजिटिव केसेस स्टाफ नर्स के निकले हैं। इस कारण से जितने भी हमारे स्टाफ थे जो संदिग्ध थे, इनके सैंपल्स लिए गए थे, एक भी स्टाफ को हम अभी हॉस्पिटल में अलाउ नहीं किया है, सभी को हमने रिप्लेस किया है। और वो भी स्टाफ जो है होम आइसोलेशन पे नहीं भेजा है, उनको भी इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में भेजा है, हमने होटल एक्वायर करके वहीं पर भेजा है, तब तक उनका पूरा सैंपल पॉजिटिव या नेगेटिव ना आ जाए। हमने ये भी व्यवस्था की है कि जो हमारे जो सफाईकर्मी है, क्योंकि सफाईकर्मी के द्वारा भी ऐसा आया है कि हॉस्पिटल में थोड़ा उससे फैलाव हुआ है, संक्रमित हुए हैं, तो हमारे चाहे नगरपालिका में
ये जो गांधीनगर कॉलोनी से जो भी सफाई कर्मी है, चाहे वो नगर पालिका में काम करते हो, हॉस्पिटल में काम करते हो, उन सभी को भी हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है और उनको भी सभी को हम लोग एडवाइस कर रहे हैं कि हम लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में जितना भी संभव है उनको रखेंगे और बाकी सभी को होम आइसोलेशन में रखा जाएगा और उन सभी को भी समय समय पर मॉनिटरिंग किया जाएगा कि उसका सख्ती से पालन हो रहा है कि नहीं है। ये अपील करता हूँ कि जो भी हमारे डॉक्टर्स और बाकी जो अधिकारी बता रहे हैं जितने भी प्रोटोकॉल्स का पालन करना है, जो भी होम आइसोलेशन, होम क्वारंटीन, इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन की जो भी सलाहें दी जा रही है हेल्थ स्टाफ के बारे में, उसका सख्ती से पालन करें ताकि ये संक्रमण फैलने का चेन हम ब्रेक कर सके। ये मेरी अपील है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ टीवी खबरों की पड़ताल।